वेलकम बैक हो गया दोस्तों। जैसे कि हमने एक अपडेट आपको प्रोवाइड किया था वेपोर वॉलेट का, अगर आपने ये एनएफटी को क्लेम किया होगा तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, किस तरह से अपनी एयरड्रॉप को क्लेम करना है, इसका पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने कितनी भी एनएफटी अगर क्लेम करी थी, या फिर एक एनएफटी क्लेम करी थी, या दो या तीन या पाँच या पूरी पाँचों आपने क्लेम करी थी, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको किस तरह से वर्क करना है, चलिए ये जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि 2.7 मिलियन वेपोर वॉलेट जो टोकन है वो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, वन वेपोर वॉलेट एनएफटीज है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको किस तरह से इसका टास्क को कंप्लीट करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लिंक इसका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वीडियो के बारे में और टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अब जो वेपोर वॉलेट का ये वाला लिंक था, ठीक है, इस पर भी चलिए मैं क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने ये टास्क को किवी ब्राउजर में किया था, जैसे कि आपको भी पता है कि वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है, तो ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट कर रखा है। अब दोस्तों ये जो इसका वेबसाइट था ये तो यहाँ पर इसमें थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये यहाँ पर अभी वर्क नहीं करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपने वॉलेट तो अपना बाइंड ही यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी आपके वॉलेट से यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड भी चला रखे हैं। तो दोस्तों अब ये जो वेबसाइट है ये इस तरह से नोट फंड में आने वाली है, तो आपको यहाँ पर इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इसको देख के आपको यहाँ पर घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो यहाँ पर प्ले बॉक्स है इस पर वॉलेट है, वेपोर वॉलेट का जो यहाँ पर पूरा एक्सेस है वो इन्होंने प्ले बॉक्स पर यहाँ पर एक्सेस कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिंक पर आपको कॉपी करके लाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है इसको, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लॉगिन करेंगे, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब ये आपको स्विच नेटवर्क यहाँ पर कर लेना है, ठीक है, स्विच नेटवर्क करेंगे तो आपका जो मीटर मार्क्स है उसमें आपको बीएनबी चेन पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए इसको स्विच नेटवर्क पहले कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मेरा वॉलेट कनेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर बीएनबी पे हमने सब कुछ वर्क करा है, तो दोस्तों आपने किस वाली चेन पर काम किया आप उसी पर यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बीएनबी पे मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया हूँ, एंड यहाँ पर आप देखेंगे बीएनबी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा लॉगिन, तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर जीमेल डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, या फिर गूगल से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा गूगल से लिए, पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, गूगल के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपका जो गूगल से आपने लॉगिन किया तो बहुत ही जल्दी आपका लॉगिन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये वाला प्रोसेस आप यहाँ पर जान लीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको करना है क्लिक यहाँ पर वॉलेट पे, तो अब ये आपको वॉलेट कनेक्ट करने के लिए कहेगा, जो भी वॉलेट आपने यहाँ पर दे रखा होगा पहले से वेपोर वॉलेट में, जिसमें एनएफटी आपने क्लेम करी होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाम्प इसको देना है, ठीक है, स्टाम्प इसको लगाना है, यानी कि स्टाम्प के आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर वॉलेट आ चुका है, अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये वॉलेट कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉलेट आ गया, मेटामास्क आ गया, तो दोस्तों मेटामास्क को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगा। अब जिस तरह से यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके और वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो मुझे आ चुकी होगी वॉलेट के अंदर, तो अभी नहीं आई, थोड़ा वेट करेंगे। कनेक्ट हो चुका है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टाम्प करना क्या है, जहाँ पर स्टाम्प आ रहा है स्टाम्प पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू इंटरफेस यहाँ पर देगा आपको, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फटाफट, जैसे कि आपके सामने सब इंटरफेस हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल भी आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा, तो आपके सामने मैं यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब स्टाम्प पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जनरेट करके देगा, जैसे कि नेट थोड़ा स्लो है इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने आएगा, एंड आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन जो आ रहा है ये आपने एनएफटी को क्लेम किया और ये आपके पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रोज स्टाम्प देना है, एक ट्वीट आपको यहाँ पर करना है, ट्वीट जब यहाँ पर आप करेंगे तो अब यहाँ पर आप जब ट्वीट करेंगे, ट्वीट करने के बाद आपको ये स्टाम्प का एक बटन ओपन करके देगा, तो आपके वॉलेट में कुछ बीएनबी होना चाहिए तभी आप यहाँ पर स्टाम्प कर पाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ थोड़ा हल्की बहुत फीस यहाँ पर आपकी लगती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरा अभी टाइम हुआ नहीं है स्टाम्प का, तो दोस्तों मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप उस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो डेली आपको ये स्टाम्प जो है वो लगाना
करना है। 30 दिन तक आप यहाँ पर स्टाम्प देंगे और 30 दिन के बाद यहाँ पर आपको जो रिवार्ड है वो क्लेम करने के लिए दिया जाएगा। एंड क्लेम करने के लिए दिया जाएगा तो आपके जो टोकन है वो यहाँ पर आप सेल कर पाओगे और सेल करने के साथ साथ यहाँ पर आप कैश आउट में बदल पाओगे। तो दोस्तों इस पर जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मेरे वॉलेट में आप यहाँ पर देखेंगे कितने कॉइन हो चुके हैं, यानी कि 11,000 के आसपास यहाँ पर कॉइन हो चुके हैं। और जो मेरे पॉइंट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट मेरे कितने हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हैं जो कि आपकी रैंक है। और दोस्तों यहाँ पर आपके ये टोकन है जो आपके यहाँ पर आपके स्टाम्प देने से बन रहे हैं। तो रोज़ यहाँ पर आपको स्टाम्प देना है। आपको 5 NFT या फिर आपने जितनी भी NFT को क्लेम किया है उन्हीं को सबको स्टाम्प यहाँ पर मोहर लगानी है ट्रांजैक्शन की। तो 30 दिन तक ये यहाँ पर प्रोसेस आपको करना है। 30 दिन के बाद इनका नया टास्क आएगा या फिर ये लिस्ट भी हो सकता है क्वाइन। तो लिस्ट अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर हम सेल आउट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों अभी इसमें कुछ ज़्यादा लोग नहीं पार्टिसिपेट हुए हैं, आप यहां पर देखेंगे 8,000 के अराउंड यहां पर लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा यहां से एयरड्रॉप जा सकता है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं करना है। अगर आपने पहले से NFT क्लेम कर रखी है तो ये प्रोसेस भी यहां पर आप करिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर अपडेट पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट कर देना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।